नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी संगठन की तारीखें आज हो सकती हैं तय। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुनावों की तारीखें तय होंगी। बैठक में बुलाई गई कार्यशाला में शामिल हुए नेता, बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद, तो वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इनके अलावा सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिलाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुनावों की तारीखों को लेकर अब कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है। बीजेपी संगठन चुनाव की तारीखें आज तय हो सकती है और इस तय होने के साथ ही इसका ऐलान कब तक होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बैठक में बुलाई गई कार्यशाला में शामिल हुए नेता, बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृतांशी, कहीं ना कहीं अब तारीखों पर नजर बनी हुई है कि आखिर ये तारीख क्या कुछ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक बुलाई गई है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, इसमें तमाम जो हम कह सकते हैं संगठन के बड़े नेता हैं, संगठन से लेकर सरकार यानी कि विधायक, सांसद, जो संगठन महामंत्री, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सभी मौजूद हैं। इन सभी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है और भोपाल प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि ये बैठक में आज ये तय होना है कि बीजेपी का तो संगठनात्मक चुनाव होना है, जिसमें अलग अलग स्तर पर, क्योंकि जो इकाइयां होती हैं जिला स्तर पर होती हैं, प्रदेश स्तर पर होती हैं, उनमें चुनाव कब किए जाने हैं, इसको लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई है। और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, चाहे हम संगठन के वरिष्ठ नेताओं की बात करें या सरकार से जुड़े नेताओं की बात करें, सभी यहाँ पर लगातार संबोधित कर रहे हैं। चाहे अजय जामवाल हो, चाहे हितानंद शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, सबने संबोधित करके ये बताने की कोशिश की है कि ये तो संगठनात्मक चुनाव है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और कैसे इससे बीजेपी का संगठन मजबूत होगा तो निष्पक्ष तरीके से, साफ गोई तरीके से, और बीजेपी को जल्द से जल्द अपनी संगठनात्मक इकाइयों में, नए जो भी कार्यकाल खत्म होने के बाद अध्यक्ष हो या कोई और भी हो, मंडल अध्यक्षों में वो सब मिल जाए, इसको लेकर संगठनात्मक तौर पर मजबूती के लिए जो चुनाव आयोजित हो रहे हैं उनको करवाने के यहाँ पर एक तरीके से चर्चा और ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, अगर इस बैठक के बारे में अपडेट जाने, आखिर ये बैठक अब तक कितने देर तक चलनी है? बिल्कुल, ये सुबह से ये बैठक लगातार जारी है और इसमें 3 बजे जो कार्यशाला बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो शामिल हुए हैं। इसमें अजय जामवाल, हितानंद शर्मा, इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महेंद्र सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी है मध्य प्रदेश के, शिव प्रकाश जो की संगठन महामंत्री है, सह संगठन महामंत्री राष्ट्रीय, उन्होंने भी संबोधित किया। और इन सबके संबोधन के बाद जो है वो चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही बैठक समाप्त होगी। हालांकि घंटों से ये बैठक लगातार जारी है, जिससे कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर जब तारीखें तय होंगी, जब बड़े नेता बैठकर तारीखें तय करेंगे, उसके बाद जितने भी इकाइयां हैं, जितने भी स्तर पर जो है वो, चाहे हम गांव स्तर पर बात करें, जिला ब्लॉक स्तर पर बात करें, सभी जगह पर चुनाव हो और आसानी से वो चुनाव हो सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।